देश की आज़ादी के 73वें वर्षगांठ के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने ध्वजारोहण किया तथा लोगों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण, डॉक्टर विनीता पाठक, मुख्य नियंता डॉक्टर गोपाल प्रसाद, मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर रजनीकांत, प्रोफेसर उषा श्रीवास्तव सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद कुलपति ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए उपलब्धियों को क्रमवार गिनाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। और उसके बाद कुलपति ने मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं से अभिवादन लिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने कहा, इस क्षेत्र में यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। कोई भी विश्वविद्यालय अपनी आधारभूत संरचनाओं के बिना, इसमें नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी की लैब भी शामिल हैं, सभी अवगत हैं कि विगत 5 वर्ष से व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार के में शौचालयों का निर्माण एक, मगर यह कहते हुए बहुत अहंकार है कि यही हमारे परिसर में न होना दर्शित करने वाला तथ्य था। हमने 90 नए प्रशासन कक्षों का निर्माण किया, साथ ही साथ परिसर एवं छात्रावास पर पूरा हो चुका है। लाइब्रेरी होती है अनेक कारणों से, अभी तक हमारा टीम बीते 2.5 वर्षों में हमने एक व्यवस्थित दिशा में काफ़ी काम किया है। 5 वर्षों बाद रिसर्च जर्नल्स की और बड़ी संख्या में ई जर्नल्स मंगाए जा रहे हैं। गंगा पोर्टल पर सभी शोध प्रबंधक शोध जा रहे हैं और हमें यह बताते हुए अपार प्रसन्नता ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ प्रस्तुत किए जाने वाले अब एंटी प्लेजरिज्म प्रमाण पत्र के साथ ग्रंथालय में रीडिंग रूम में विद्यार्थियों की, और इस अवसर पर हमें रात के 8 बजे तक खुलेगा, जिससे हमारे विद्यार्थी मिलेगा कि वो लाइब्रेरी में अपना समय बिता सकें और इतने समय निकूल हैं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरे कर सकें। यही भाव है, आशा है कि इसे कहीं दे सकेंगे, जिससे विश्वविद्यालय को एक नया आयाम मिलेगा। छात्रावास विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि विकसित करते रहते हैं। इस बार से छात्रावासियों के लिए किसी तरीके की असुविधा न हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अध्ययन पे दे सकें, इसलिए हम अपने यहाँ छात्रावासों में मेस की सुविधा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे छात्रावासों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र उत्तीर्ण होते हैं। अभी हाल में ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों के बच्चों ने IIT, JAIN, JNU और अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं में नामों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। इसके लिए मैं सभी छात्रावास के छात्रावासों के अभिरक्षकों, अधीक्षकों और छात्रों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने छात्रावासों में बेहतर एकेडमिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। सोशल मीडिया आज के समय की आवश्यकता है। समय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और MHRD ने सोशल मीडिया को प्रयोग करने पर बल दिया है और विश्वविद्यालय को भी निर्देश देता रहता है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए हर व्यक्ति तक पहुँचने के लिए, आमजन तक पहुँचने के लिए। मुझे इस बात का आभार हर्ष है कि विश्वविद्यालय ने फेसबुक के पेज DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी अपडेट के नाम से एक पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसमें छात्र छात्राओं और अभिभावकों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है और यह काफ़ी लोकप्रिय साबित हो रहा है। अभी हाल में इनके माध्यम से सहजतापूर्वक जानने में सफल हो रहे हैं। प्रतिभा का लोहा मनवाया अखिल भारतीय ने, हमारे खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए ऐसा हो, ऐसी मेरी कामना है और इस अवसर पर मैं पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके बारे में आपका निबंधन है।
गणतंत्र दिवस के 73वीं वर्षगांठ पे मैं विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, कर्मचारी बंधु, अन्य सम्मानित नागरिक और देश प्रदेश के हमारे सभी नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर यह दिवस हमको याद दिलाता है कि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के योद्धाओं कितना बलिदान दिया, कितनी कुर्बानी दी और काफ़ी सालों के संघर्ष के उपरांत हमें ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता हासिल हुई और 72 वर्षों में पिछले 72 वर्षों ने भारत ने एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता भी हासिल की है। लेकिन अभी बहुत सारे कार्य किए जाने हैं और विश्वविद्यालय चूँकि यहाँ छात्र छात्राएँ अध्ययन करने आते हैं, देश के युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि विश्वविद्यालय राष्ट्र के विकास में, इस देश के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता रहे, जिसके लिए हमारे सभी कर्मचारी, टीचर्स, अध्यापकगण, हमारे अन्य नागरिकगण सभी तत्पर हैं कि किस तरह से हम देश के युवाओं को एक बेहतर और अच्छी तरह से उन्नतशील राष्ट्र के रूप में उनका योगदान हासिल हो सके। विश्वविद्यालय इसके लिए लगातार प्रयास करता रहता है और किसी भी तरह का कोई भी सुझाव किसी भी आम जन से मिलता है, उस सभी चीज़ों को हम विश्वविद्यालय स्तर से आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। मैं पुनः इस अवसर पर इस देश प्रदेश के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए अपने अंदर जो उनके अंदर स्पंदन है उसको आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें।